प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। आप लोग मेला देखने तो जाते ही हैं, तो मान लीजिए कि आप मेला देखने जा रहे हैं और आपने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी हमें कुछ रुपए दे दीजिए, तो आपके दादाजी ने आपको दिए 2,000 रुपये। फिर आप अपनी दादी के पास गए तो आपकी दादी ने दिए आपको 500 रुपये। फिर आपके पापा आ गए तो आपने पापा से कहा पैसे के लिए तो उन्होंने आपको दिए 50 रुपये। फिर आप अपनी मम्मी के पास गए तो आपकी मम्मी ने आपको दिए 5 रुपये। फिर आपने सोचा कि मेला देखने जाने से पहले मैं सारे रुपयों का टोटल कर लेता हूँ कि कितना है ये कुल मिलाकर। तो चलिए टोटल कर लेते हैं हम इनका। तो आपके पास कुल रुपए हो गए 2,555 रुपया। अब बच्चों, ये जो हमें अलग अलग रुपए मिले हैं कि इतने हमें दादाजी ने दिए, इतने हमें दादी ने दिए, इतने हमें पापा ने दिए और इतने हमें मम्मी ने दिए, तो यही है संख्याओं का विस्तारित रूप। जब हम किसी संख्या को उसके स्थानीय मान के अनुसार लिखते हैं तो उसे संख्या का विस्तारित रूप कहा जाता है, और जब हम उन संख्याओं को जोड़कर लिख देते हैं तो यह कहलाता है संक्षिप्त रूप। इसे हम संक्षिप्त रूप कहते हैं संख्याओं का, और ये संख्याओं का विस्तारित रूप है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न को हल करके और विस्तारित रूप को समझते हैं। अब ये जो संख्या है इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या है। सबसे पहले तो 6 है, 6 को लिख देंगे। अब हम 6 के बाद देखेंगे कि कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उतने ही जीरो लगा देंगे हम। छः के बाद 2 है तो इनके बीच में जोड़ने का चिन्ह लगाना पड़ता है, ये 2 लिख देंगे। 2 के बाद गिनेंगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। 2 के बाद 3 है तो 3 लिख देंगे, और 3 के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। अब 3 के बाद 4 है, 4 को लिख देंगे। 4 के बाद 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा देंगे। 4 के बाद 6 लिखा हुआ है, 6 लिख देंगे, और 6 के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। 6 के बाद 5 है, 5 लिख देंगे, और 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर अब सबसे लास्ट में 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो हम 2 को लिख देंगे और इसके बाद कोई भी अंक नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने, हमने संख्याओं को विस्तार करके उन्हें लिख दिया। इस तरह से आप किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, तो आप लोग भी घर पर संख्याओं को लिखेंगे और उन्हें विस्तारित रूप में लिखेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।